बॉलीवुड में LGBTQ किरदारों को देखना ऑडियंस के लिए काफ़ी ही रेयर चीज़ है। इस मॉडर्न सोसाइटी में हम सभी को OTT पर कई बढ़िया शोज और मूवी देखने को मिलती है, लेकिन बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस अभी भी गे किरदारों को निभाने में झिझकते हैं। डायरेक्टर ओनीर ने इस बात में अपने नए इंटरव्यू में बात की। ओनीर का कहना है कि स्ट्रेट एक्टर्स को रेपिस्ट और मर्डरर का किरदार निभाने में खुशी होती है, लेकिन गे के किरदारों से वे दूर भागते हैं। अपने इंटरव्यू में ओनीर ने उस वक्त को भी याद किया जब उन्होंने एक बड़े बॉलीवुड स्टार को शेक्सपियर की हेमलेट के एडेप्टेशन को सुनाया था। इस कहानी में वे गे ट्विस्ट थे। सिद्धार्थ कानन के साथ इंटरव्यू में ओनीर ने कहा, स्ट्रेट एक्टर्स अब गे रोल करते हैं तो इंटीमेंसी को दिखाने में भी बहुत हिचकिचाते हैं, खासकर मेल एक्टर्स। अगर किस भी करना होगा तो उसमें कोई पैशन नहीं होगा, वो बहुत बचते हैं। बहुत से एक्टर मुझे ये भी बोलते हैं कि उन्हें महिलाओं के साथ इंटीमेट सीन करने में कोई दिक्कत नहीं, ये एक्टिंग है, आपको उसे एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। ओनीर ने कहा कि एक्ट्रेस गे किरदारों को पर्दे पर निभाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें चिंता है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। डायरेक्टर बोले, उन्हें रेपिस्ट का किरदार निभाने में शर्म नहीं है, उन्हें मर्डरर का किरदार निभाने में शर्म नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत गे का शख्स का रोल निभाने में उन्हें डर लगता है, उनकी सोच आगे नहीं बढ़ी है। अगर आप हॉलीवुड को देखें तो बड़े बड़े एक्टर्स ने गे के किरदारों को निभाया है। इस बातचीत के दौरान डायरेक्टर ओनीर से पूछा गया कि वो क्या शाहरुख खान या सलमान खान जैसे सितारों में से किसी को गे फिल्म का ऑफर करना चाहेंगे। इसके जवाब में डायरेक्टर ने किसी बड़े स्टार को किसी ऐसे फिल्म ऑफर करने की फनी वाकायदे को याद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं मैट्री जैसे एक्टर को गे किरदार निभाने देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है, क्योंकि कम से कम केरल फिल्म इंडस्ट्री इसे अपने आ रही है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक बड़े स्टार से की बात की थी कि क्योंकि मैं हेमलेट का गे वर्जन बनाना चाहता था। जब मैं उन्हें कहानी सुना रहा था तो वे सोफे से लगभग गिर ही गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं गे किरदार करूंगा। डायरेक्टर ओनीर ने बताया कि वो दिवंगत क्वीर फिल्मकार रियाद वाडिया की बायोपिक बनाना चाहते थे। फिल्मकार के परिवार का आशीर्वाद भी उन्हें मिल गया था, लेकिन वो किसी एक्टर को अपनी फिल्म करने के लिए मना नहीं पाए। एक्ट्रेस या तो ओनीर को कह देते कि वो बिजी है या फिर ऑफर को प्यार से मना कर देते थे। ओनीर ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने उनके साथ गहरा व्यवहार नहीं किया है, भले ही उन्हें इग्नोर हुआ हो या ध्यान न दिया गया महसूस होता हो।